हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुकिंग एंड देसी स्वैग। आज मैं आपके साथ मिठाई की बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे हम माजूम बोलते हैं, खुराक भी बोलते हैं। ये मेरी मदर की काफ़ी हिट रेसिपी है, उन्होंने काफ़ी लोगों को बताया है, काफ़ी लोगों को सिखाया है और बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। और ये मार्केट से 100 गुना ज़्यादा टेस्टी होती है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा घी डाल देते हैं और तेल डाल देते हैं, जो कि इसका स्वाद ख़त्म हो जाता है। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको आज ये शेयर करने जा रही हूँ। और ये एकदम एनर्जी से भरपूर होती है, बच्चों के लिए हेल्दी होती है, बड़ों के लिए हेल्दी होती है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप एक पीस खाओगे तो आपका मन नहीं भरने वाला है, आप इसे बार बार लेके खाओगे और ये झटपट हमारे घरों में ख़त्म हो जाती है। जब भी मैं गर्मियों के छुट्टियों में जाती हूँ, ये वाली मिठाई अपनी मम्मी से ज़रूर बनवाती हूँ। ये मिठाई मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो स्पेशली उन्होंने उनके लिए बनाया है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इसमें 250 ग्राम मैंने सूखा नारियल ग्रेटेड लिया है और 200 ग्राम काजू और बादाम चॉप्ड कर लिया है, 50 ग्राम किशमिश है, खसखस है, उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया है। और ये जो भी क्वांटिटी ली है, इन सबको आपको मिक्स कर लेना है अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आपको सबको मिक्स कर लेना है। और फिर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून, तो आपने घी देखा ही था, मैंने डाला है। अब इसमें मैं आधा कप सूजी डाल रही हूँ, सिर्फ आधा कप सूजी डालेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और इसे रोस्ट कर लेना है, इसमें से अपने आप आपको दिख जाएगा कि इसका कलर चेंज हो गया है और अच्छे से रोस्ट हो गई है सूजी। तो फिर आप इसको उसमें जो हमने कोकोनट ग्रेटेड कोकोनट ड्राई फ्रूट्स डाला है, उस मिक्सचर में आपको मिक्स कर देना है। इसमें इलायची डालना है, 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर, उसे भी हल्का सा जस्ट 2-3 सेकेंड मिक्स कर लें। अगर आपने ये मिठाई कभी नहीं बनाई हो तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कोई एक बिगनर भी होगा वो ये मिठाई आसानी से बना सकता है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अब फिर से 1 टेबल स्पून हमें घी लेना है और इसमें हमें आटा डालना है। आटा में छोटी सी कटोरी डालनी है, आप लगभग सोच लो आधा कप आटा आप ले सकते हो, चलेगा उतना भी। तो फिर आधा कप आप आटा ले लो, छोटा कप होना चाहिए। मैंने आपको कटोरी दिखाई है, बहुत छोटी कटोरी है। इसे भी अच्छे से भून लेना है ताकि कि इसमें से एक अच्छा सा कलर आ जाए और एक खुशबू आने लगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, अब वो भी इसमें डाल देना है हमें। आपको मैं एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बता रही हूँ और कोई भी गलती नहीं होगी, आप आसानी से बना सकते हो इसे। और ट्राई ज़रूर से कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब ये खोआ मैंने लिया है, खोआ भी 250 ग्राम खोआ है, उसमें भी मैंने 1/2 टेबल स्पून घी डाल दिया है और लो फ्लेम पे से अच्छे से मिक्स कर लेना है, भून लेना है। जब आपको लगे कि साइड से घी रिलीज होने लगा है, तब आप गैस ऑफ करके उसे फिर उसी मिक्सचर में डाल दें। और इसे लगभग मैंने खोए को 5 मिनट रोस्ट किया हुआ, इससे ज़्यादा नहीं रोस्ट किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी भुना हुआ खोआ है। अगर आपको मार्केट में कम भुना हुआ खोआ मिले, ये फीका खोआ है, ये मीठा नहीं है बिल्कुल भी, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ये फीका हुआ खोआ, ये भी भुना हुआ था, मैंने थोड़ा सा 5 मिनट के लिए भुना, अपने आप इसका साइड से घी रिलीज होने लगा, फिर हम मैं इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसे क्या करना है, इन सबको अच्छे से मिला लेना है, बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। अगर आप हाथों से मिला सको तो आप हाथों से भी मिला सकते हो इसे, ये थोड़ा गर्म है तो इसीलिए मैं स्पैचुला की मदद से इसे मिला रही हूँ। अब मुझे 3/4 बड़ा कटोरा है, ये कटोरी नहीं है, ये कटोरा है, 3/4 कटोरा हमें चीनी डालनी है और 1 कटोरा भर के पानी डालना है। हमें एक चाशनी, आप कह सकते हो सिरप तैयार करना है, हमें ना ही ये 1 तार की होनी चाहिए ना ही ये 2 तार की होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। हमें तार नहीं बनानी है इसकी, हमें बस चीनी और पानी को अच्छे से मिला लेना है
और इसमें एक चिपचिपापन सा स्टिकीनेस आएगी तो हम समझ जाना कि ये बन के तैयार है। ये छुआरा है, हमें 200 ग्राम छुआरा लेना है और उसे मिक्सी में ग्राइंड करके इसमें मिक्स कर देना है। अब हमें इसे 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना है और बीच बीच में छू के देखना है कि कैसा फील हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ में आप जब छूओगे तो आपको पानी और चीनी अलग अलग सा फील होगा, पानी पानी जैसा फील होगा आपको, तब उस स्टेज में आपको नहीं बंद करना है, उस स्टेज में भी आपको घुमाते रहना है। और ये जो हमने खोआ नारियल का मिक्सचर बनाया था और ड्राई फ्रूट्स का, इसको फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर हमें इसमें 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून घी फिर से डालिए और फिर से इसे फुल फ्लेम पे आपको उबालते रहना है और जब तक कि आपको वैसा एक टेक्सचर ना आ जाए, वैसा फील ना होने लगे आपको, तब तक आपको इसको घुमाते रहना है। अब हमें इसमें जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो इसमें हमें डालना है। और मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, ये तो बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट है, तो आप लास्ट में देखोगे चीनी और ये जो शुगर सिरप है और ये जो मैंने मिश्रण डाल रही हूँ आपस में अच्छे से मिल जाएगा। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा आपको सिरप नहीं दिखेगा, चीनी का घोल नहीं दिखेगा। बट इन केस अगर आपसे ऐसी गलती हो रही है कि ये थोड़ा सा चीनी का घोल दिख रहा है आपको, तो आप मीडियम टू लो फ्लेम पे आप पूरा जो चाशनी है उसको एब्जॉर्ब करा लेना पूरा, जब तक कि ये ख़त्म नहीं हो जाते आप चलाते रहिएगा और फिर आप गैस ऑफ कर दीजिएगा। और साथ में मैंने जो परात है ना, इसमें जो मिक्सचर बनाया था कोकोनट इन सब का जो भी सारा मिक्सचर था वो मैं नीचे से थोड़ा फैला ली हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा जब आप काटोगे और ये मिठाई निकालोगे इसमें से पीसेस निकालोगे तो ये नीचे से चिपकेगा नहीं। आप चाहे तो नीचे से ग्रीस कर सकते हो बट ये बेस्ट ऑप्शन है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और नीचे से एक अच्छा सा एक टेक्स्चर और लेयर भी आ जाएगा इसका, कोकोनट का और इसका खसखस का, तो इसीलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। फिर उसे अच्छे से फैला लेना है चारों तरफ से इवेनली, ऐसा ना हो एक साइड से मोटा हो एक साइड से पतला हो, तो फिर जब आप काटोगे तो दिखेगा अच्छा नहीं दिखेगा, पीसेज अच्छे नहीं दिखेंगे। तो मैंने क्या किया है, किसी कटोरे से या कटोरे से जो बिल्कुल नीचे से फ्लैट हो उसे टैप कर लिया है, अच्छे से थपथपा लिया है ताकि कि इवेनली ये फ्लैट हो जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस, आप ज़रूर से ध्यान से देखिए। जब आपको लगे कि ये चारों तरफ से चिकना हो गया है तब आप क्या कीजिएगा, स्पैचुला या किसी ऐसी चीज़ की मदद से आप साइड साइड से इसे लगा के इस तरह से सेट कर लें ताकि कि जब पीसेस निकल के आएंगे ना बहुत अच्छे दिखेंगे आपको। आप ये काम प्लेट में भी कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इस तरह से पीसेस काटने हैं, अगर आप जैसा चाहो आप डायमंड शेप भी कर सकते हो, स्क्वायर शेप भी कर सकते हो, जैसा शेप आपको पसंद आए वो आप कर सकते हो। मैंने इसे पंखे में बनाने के बाद मैंने इसे 10-15 मिनट पंखे पे रख दिया था ताकि ये सूख जाए थोड़ा सा। अगर आप विंटर में बना रहे हो तो आपका फटाफट सूख जाएगा, आपको पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये समर है तो समर में थोड़ा सेट करना पड़ता है हमें इसे। तो फिर मैंने क्या किया, इसे अच्छे से पीसेस निकाल के इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख दिया था। इस मिठाई की जो शेल्फ लाइफ होती है वो 1 वीक होती है समर में, बट अगर आप विंटर में बना रहे हो तो उसकी शेल्फ लाइफ 20 डेज होती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, और मैं जल्दी ही मिलूंगी आपके साथ फिर एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।